हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड, अभी शाम का टाइम है और हम गांव में हैं तो खाने के फुल मज़े ले रहे हैं। और अभी हम बनाने वाले हैं बाटी और चोखा, जो कि मेरा फेवरेट फूड है। मतलब घर का जो बाटी चोखा बना हुआ होता है ना, उसका जो टेस्ट होता है वो कहीं नहीं मिलता, इसलिए मैं कहीं भी नहीं ट्राई करती हूँ। लेकिन जब मैं घर पर आती हूँ तो मैं बाटी चोखा ज़रूर बनाती हूँ। तो अभी हमने अंगीठी जला दी है, इस पर हम टमाटर और बैंगन भून लेंगे। उसके बाद जब ये आग जलना ख़त्म हो जाएगा तो उसमें आलू ढक देंगे और ऊपर से बाटी सेक लेंगे। तो ये हमारा बाटी और चोखा बनके रेडी है। और मतलब क्या हम आपको बताएं, बाटी चोखा की बात आती है तो कुछ भी नहीं, कोई खाना नहीं अच्छा लगता है। और अभी मॉर्निंग का टाइम है तो हम बनाएंगे लौकी की दाल, बथुए की रोटी और चावल। फ्रेंड्स, इस बार हम जब से घर आए ना, तब से मेरा फेवरेट खाना ही बनता जा रहा है। तो मम्मी ने बोला कि तुम छठ पे आई नहीं थी। हम लोगों के यहाँ छठ पे बहुत ही अच्छी दाल बनती है लौकी की। और पता नहीं क्यों, जैसे होता है ना, ये थोड़ा सा मान्यता भी होती है कि जो छठ पे लौकी की दाल बनती है वैसा टेस्ट कभी भी आप लौकी की दाल बना लो नहीं आती है। लेकिन इस बार हम नहीं जा पाए थे छठ में घर, तो मम्मी ने बोला कि लौकी की दाल और चावल बना लो। और बथुआ भी गाँव में वैसे नॉर्मली नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी गेहूँ जस्ट बोए जा रहे हैं तो बथुआ यहाँ पे नहीं मिलता, क्योंकि सब्जियों की खेती हम लोगों के यहाँ नहीं होती है। लेकिन सरसों हमारे थोड़े खेत में पहले से बोया गया है तो उसमें बथुआ था, तो मम्मी ले आई थी एकदम ताज़ा ताज़ा बथुआ। तो हमने सोचा कि चलो इसको हल्का सा बॉयल करके आटे में मिक्स करके रोटियाँ बना देते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक गाँव में हम लोगों के यहाँ बथुए की सब्जी बनती है, बथुए की भुजिया बनती है और दाल बनती है बथुए की, लेकिन रोटी नहीं कोई खाया था। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा डिफरेंट बना देते हैं आज। और चूल्हे पे बन रहा है तो फिर उसका टेस्ट तो डबल होना ही था। और दोपहर का टाइम हो गया है तो मम्मी कह रही थी कि छठ का प्रसाद और तो कुछ नहीं रख सकते थे तुम्हारे लिए, लेकिन नारियल रखा है तो उसको मतलब तोड़ के खा लो। तो यही में हम लोग नारियल छील रहे हैं। इसको बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स छीलने में, लेकिन कम से कम शुक्र है कि कोई एक ऐसा प्रसाद तो चढ़ता है छठ में जो बाद में भी पहुंचता है तो उसको मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग नारियल छील रहे हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों के यहाँ छठ की बहुत मान्यता होती है, इसलिए लोग दिवाली में घर आए या ना आए लेकिन छठ में जरूर आते हैं, क्योंकि बहुत धूमधाम से और बहुत अच्छे से मनाते हैं। पूरे गांव वाले इकट्ठे होकर पूजा करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। इसके वजह से लोग कहीं भी रहते हैं तो आते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने नारियल तोड़ लिया, उसका पानी हम लोगों ने कटोरी में इकट्ठा कर लिया, थोड़ा सा गिर भी गया था और कितना अच्छा दिख रहा है। तो अभी हम लोग नारियल खाते हैं, क्योंकि प्रसाद में और कुछ मुझे मिला नहीं। तो यहाँ पे हमने नारियल तोड़ लिया, लेके जा रहे थे मम्मी को देने के लिए। तो अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं और हमने सोचा कि चलो हम अपनी स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि आज सुबह से हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो हमने सोचा कि अपनी स्टडी ब्रेक नहीं करते हैं, जो कम से कम 3 घंटे तो कंटिन्यू हमें करना ही है डेली का। तो इसलिए हम अभी 3 से 5 स्टडी करेंगे और उसके बाद गांव में थोड़ा जल्दी खाना वगैरह बनता है, क्योंकि चूल्हे बाहर होते हैं तो ठंड अभी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से टाइम से खाना बनाना होता है। तो 5 बजे के बाद हम खाना बनाने में लग जाएंगे। और गांव में आते हैं तो थोड़ा सा मम्मी को ये रहता है कि इतने दिनों बाद आई है तो इसका मनपसंद खाना बन जाए, तो इसकी वजह से भी खाना बनाने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चला जाता है। और उसके बाद का जो थोड़ा सा टाइम होता है वो मम्मी के साथ बात वगैरह करना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन बहुत मेच्योर बातें करती हैं। मतलब इतनी अच्छे से पेशेंसफुली समझाती हैं चीज़ों को ना, कि उनके साथ बात करके बड़ा अच्छा लगता है मुझे। मुझे कभी भी बाहर की दुनिया उतनी अट्रैक्ट नहीं की जितनी मुझे मम्मी के साथ रह के खुशी मिलती है। तो इसलिए मैं जब भी घर जाती हूँ तो पढ़ाई हमारी एक तरीके से सेकंड प्रायोरिटी हो जाती है, जो कि एक पेरेंट के लिए सही नहीं है। लेकिन फिर भी हर किसी की कुछ ना कुछ वीकनेस होती है, तो उसी तरीके से है कि जब तक हम घर पे हैं मम्मी से बात नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं क्यों ऐसे बहुत खालीपन लगता है। तो इस वजह से हम मम्मी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ रूम में आते हैं तो जो सबसे ज़्यादा कमी मुझे खलती है ना, वो मम्मी की कमी खलती है। तो इसी वजह से जितना भी हमें टाइम मिलता है हम उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हैं और अपनी मम्मी के साथ अच्छे से अच्छा टाइम बिताते हैं। जो भी बातें वगैरह होती हैं उनके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि इतने दिनों बाद मिलते हैं और फ़ोन पे उतनी बातें नहीं हो पाती हैं। इस वजह से जब मिलते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं। तो ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आप सभी से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।